नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो देखिए आज मेरे परिक्रमा का 31वां दिन है। आप पूछेंगे 30वां दिन कहाँ गया, तो 30वां और 31वां दिन दोनों का एपिसोड मैं ये मिक्स में लेके आ रहा हूँ। 30वें दिन में क्या हुआ वो आपको पहले बताता हूँ और फिर हम 31वें दिन के परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे इस खुले हुई धुंध के अंदर। तब तक आप पहले 30वें दिन का डिटेल्स थोड़ा सा देखिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 30वां दिन है और रात्रि में मैंने यहीं पे श्रीधर श्री हरिधाम आश्रम में विश्राम करा था। आज मैं परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल जहाँ मैं सोच के आया था कि ये हमारे लक्ष्य में 11 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन नहीं, हकीकत में ये दूरी लगभग 17 किलोमीटर की रही। पता नहीं कैसे किलोमीटर्स बहुत अलग अलग हो रहे हैं। नर्मदे हर। तो रात में महाराज भी यहीं पे थे। बिल्कुल बिल्कुल आनंद में नर्मदे हर। तो देखिए मैं आपको साथ में बताऊं कि यहाँ पे जो है संस्कृत विद्यालय भी है जहाँ पे वेद सिखाए जाते हैं इंग्लिश और हिंदी के साथ में। आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाता हूँ सामने का। तो देखिए ये आश्रम जो है बिल्कुल मैया के पास एकदम यहीं पे बिल्कुल नज़दीक में ही है। आप यहाँ से मैया के दर्शन आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए आप श्री हरिधाम में ये गौशाला भी है और यहाँ पे आप विजय भाई को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे गौ माता की सेवा करते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। तो वक्त हुआ है सुबह के 9:35 और कल हम लोग नर्मदा मैया के आरती में थे और वही शूलपाणि के क्षेत्रों का आखिरी पड़ाव था। आश्रम से कल लगभग मैंने 2 किलोमीटर की परिक्रमा में आगे बढ़ा था और कदम बिल्कुल चल नहीं रहे थे, तभी मुझे मैया का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक आश्रम है जहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्टैटिक के बने और बहुत ही सुंदर आश्रम है, ये मंदिर है यहाँ पे, तो आप अवश्य आएँ। तो मैं यहाँ पहुँचा, काफ़ी थका हुआ था तो आकर मैंने यहाँ पे विश्राम करा। थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था तो मैं सो गया, पूरे दिन लगभग मैं सोते रहा। शाम को फिर मुझमें एक ऊर्जा जागी और उसके बाद में मैं फिर से अपने कार्य में लग गया और आप लोगों के लिए सुंदर दृश्य लेने लगा। देखिए सुबह के 6:40 हुए हैं और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। देखिए सुबह का वक्त है और धुंध छाई हुई है पूरी तरह से। तो थोड़ी देर में मैं आपको बाल भोग लेने के बाद में परिक्रमा को आगे बढ़ाता हूँ और आपके साथ बने रहता हूँ। तब तक आप इस धुंध का मेरे साथ में आनंद लीजिए। ये वो आश्रम जहाँ पे परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए कमरे मिलते हैं। तो
तो देखिए सुबह के बजे हैं 7:45 और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी धुंध है। कल मैं बड़ी दुविधा में था क्योंकि कल हम लोगों ने शूलपाणी के जंगलों को पार कर लिया था और हम लोग हरिधाम आश्रम के अंदर रुके थे। और कल सुबह जब मैंने वहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ाया तो मन बड़ा विचलित था, समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों को अब मैं कौन से दृश्य दिखा पाऊँगा, क्योंकि हम लोग अब शहरी क्षेत्र में आ चुके थे और कल बहुत ही तेज़ धूप भी थी। सुबह में परिक्रमा भी मैंने देर से बढ़ाई थी, लगभग 9:30 बजे के पास में, और जैसे जैसे मैं सड़क पर चल रहा था तो इतना ट्रैफिक का शोर आ रहा था, शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से मैं थक चुका था थोड़ा, तो कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा था हमारे बीच में, प्रकृति के बीच में और मेरे बीच में, क्योंकि हम लोग बहुत ही सुंदर वातावरण से अभी अभी इस शहरी क्षेत्र में आए थे। तभी मुझे फ़ोन आया और मुझे पता चला कि मैया ने मुझे बुलाया, बताया कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जो स्फटिक के बने हुए हैं। तो इस आनंद आश्रम में मैं पहुँचा और फिर कल बस मैं इधर ही सो गया, तो मेरी शारीरिक थकान पूरी मिट गई। रात्रि में मैं यही विचार कर रहा था कि आप लोगों को सुबह में कौन से दृश्य दिखाऊं और क्या ऐसे दिखाते हुए परिक्रमा में आपको मेरे साथ आगे बढ़ाऊं। तभी आज सुबह मौसम में पूरा धुंध आ गया है तो मैं आपको सिर्फ धुंध दिखाऊंगा, आपको ट्रैफिक या ये शहरी क्षेत्र देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ आनंद में। और ये देखिए परिक्रमावासी भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज आम्ही सकाळीच आनंद आश्रमावरून निघालो, आज वातावरण दूषित असल्यामुळे खूप त्रास होत आहे, आज धूप पडलेली आहे। नर्मदे हर, नर्मदे। तो देखिए ये थोड़ा सा मराठी में बोला गया है, आप लोग इसे गूगल कर सकते हैं और हम लोग तब तक वातावरण का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो देखिए प्रकृति के अंदर हमने पिछले 3 से 4 दिनों में हमने वातावरण के अंदर एक बहुत ही बड़ा और गहरा बदलाव देखा। पहले हम पहाड़ों में थे, फिर हम पहाड़ों में भी सड़क मार्ग पे थे, फिर हम शहरी क्षेत्र में आए, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र भी हमने टच करा। वातावरण के अंदर आप देखिए कि पहले एकदम शांति थी, फिर थोड़ा सा शोरगुल आया, फिर थोड़ा ट्रैफिक भी आया और तेज़ धूप भी थी कल और आज ये धुंध वाला मौसम। लेकिन कमाल की बात एक है, इतने सब बदलाव के बावजूद हम मैया के साथ हैं और उसमें कोई भी बदलाव परिवर्तन नहीं हुआ। तो मैया बिल्कुल हमारे बाजू से लगभग 1/2 किलोमीटर की दूरी पे हमारे साथ साथ बढ़ रही हैं और बड़ा ही आनंदमय दिन। कल जो मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी आज वो सब निकल गई है। नर्मदे हर। देखिए हम गुजरात के क्षेत्र में हैं और ये जो धुंध है ये लगभग भारत के उत्तरी भागों में आपको अधिक देखने को मिलती है। गुजरात के अंदर सर्दी भी बड़ी मुश्किल से पड़ती है, लेकिन ये क्षेत्र के अंदर हमको बिल्कुल मसूरी या उत्तराखंड या उत्तर भारत के इलाकों की याद दिला रहे हैं। देखिए हैंडपंप की आवाज़ आ रही है यहाँ से सुबह सुबह की, सबकी दिनचर्या शुरू हो चुकी है। देखिए इन सूखी झाड़ी में आपको लाल लाल बेर नजर आएंगे छोटे छोटे। देखिए हम इस धुंध वाले वातावरण से आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी हमें कहीं पत्तों पे ओस देखने को नहीं मिली है। ओस वो छोटी छोटी बूंदें जो जल की लगती हैं, जो पत्तों पे ठहर सी जाती हैं। कोशिश करता हूँ कहीं पे ओस देखने को मिलेगी तो आपको
पत्तों पे वो बैठे ओस दिखाऊंगा। So look, these people are from Telangana and they don't understand the Hindi language. I'm using the English language right now, and they are traveling by car and they are exploring complete India. They completed Maharashtra, now they are in Gujarat. Soon they will be in Rajasthan. So jaldi ye log Rajasthan ke tour pe honge aur uske baad mein, and after that Punjab. Punjab ke baad Himachal Pradesh, Delhi, Manali. So good to see that you are people exploring in young age the complete India. See the different dimensions of life. Let's go ahead. नर्मदा यार, मैं नर्मदा परिक्रमा में हूँ 3,500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, और अब मिलते हैं हम लोग आगे। नर्मदा यार से नर्मदा यार, नर्मदा यार। देखिए हम लोग अब गांव से मुख्य मार्ग सड़क पे आ गए हैं, और देखिए अभी अभी हम लोगों ने मुलाकात ली कुछ भ्रमणवासी से जो कि तेलंगाना से आए हैं, और हम लोग क्योंकि गुजरात में, और जो अब पर्व का वक्त आ गया है वो है पतंगों का पर्व। तो देखिए यहाँ पे पतंगों की भरमार लगी हुई है। ये भोपू बहुत मस्त आवाज़ करते हैं, और ये चक्री और पतंग तो आप सामने देख ही रहे होंगे। कल देखिए इसी मार्ग पे कितनी तेज़ धूप थी सुबह के वक्त, और आज के दिन यहाँ पे पूरा धुंध है। पीछे से गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा फोग हो गया आज, बहुत ज़्यादा फोग हो गया तो, और हम लोग क्या बात कर रहे हैं कुछ दिनों में ऐसे रहेगा अभी। वैसे सड़क मार्ग पे आपको कुछ दिखाऊं इससे अच्छा तो ये धुंध दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। पीछे से वाहन आते जाते रहेंगे तो ज़रा संभल के चलना रहेगा, पर आनंद में, बहुत आनंद में, पर आनंद में रहेंगे, और माँ के साथ पर आनंद में रहेंगे, और मैया के साथ में परिक्रमा को आगे बढ़ाते रहेंगे। नर्मदे नर्मदे। तो वक्त हुआ है सुबह के 8:40, और ये हम लोग आ गए हैं मंदिर पे। तो बहुत ही खूबसूरत बाहर से प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं, ऊपर बेल लगी हुई है, और ये मंदिर का अंदर का दृश्य। नर्मदे और महादेव, महादेव का मंदिर, नर्मदे हर, ओम नमः शिवाय। Dhamma Vanta